स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्कैपुला बोन जो कि हमारे पेक्टोरल गिर्डल की बैक साइड की बोन है उसके ऊपर जितनी भी मसल्स होती हैं, शायद आपको इस बुक के अंदर दिख रहा होगा कितनी सारी इस पे मसल्स हैं और वो मसल्स ओरिजिनेट भी हो रही है, रेड कलर से दिख रहा होगा ओरिजिन उनका और आपको ब्लू कलर से मसल्स का इंसर्शन भी दिख रहा होगा। इतने सारे नामों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनको याद करने का बहुत सिंपल सा न्यूमॉनिक, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं और उस ट्रिक को हम लोग आज की क्लास में लर्न करेंगे कि स्कैपुला पे मसल्स को कैसे याद करना है आप लोगों ने। तो फटाफट से बिना देर करे फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्कैपुला पे मसल्स का ओरिजिन और मसल का इंसर्शन कैसे होता है। स्कैपुला बोन पे मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन, कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो स्कैपुला से बन के निकलती हैं और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो स्कैपुला पे आकर के इंसर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो भी मसल स्कैपुला से बन के निकलती हैं उनको आप डायग्राम्स में देखोगे रेड कलर से शो हो जाती हैं और जो भी मसल स्कैपुला पे इंसर्ट होती हैं वो आप देखोगे आपको बुक्स के डायग्राम में ब्लू कलर से दिखेंगे। देखो ये ब्लू कलर से दिख रही है, ये मसल यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ब्लू कलर से दिख रही है, ब्लू कलर से आपको नजर आ रही होगी ये ब्लू कलर वाली जो है ये मसल्स इंसर्ट हो रही है और आपको जो रेड कलर की मसल्स नजर आ रही होंगी ये जो है मसल्स स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही है। इनको याद करने के तरीके होते हैं, ऐसे बुक देख करके बिल्कुल भी घबराया मत करे करो, तुम लोग किताब के नाम देख करके घबरा जाते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको जरा मैं ट्रिक्स बताता हूं, उस ट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखो हम लोग, आपने देखा होगा बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी सरकारी पेपर होता है ना, एसएससी गवर्नमेंट जॉब का जो होता है। ठीक है, तो उसमें एस से आपका जो होता है वो होता है सब स्कैपुलरिस नाम का मसल, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी तो चाहिए होती है एसएससी का, जब फॉर्म भरते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी तो चाहिए होती है ना भाई। इसमें डी हो जाएगा आपका डेल्टोइड नाम का मसल, ओ हो जाएगा ओमोहायोइड नाम का मसल और बी हो जाएगा आपका बाइसेप्स नाम का मसल जो डोले में होता है आगे। ठीक है, उसके बाद भाई डेट ऑफ बर्थ तो बोलती है भाई एसएससी के पेपर में, एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ तो बोलती है भाई, सिंपल, क्योंकि बिना डेट ऑफ बर्थ के तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, उसकी इलिजिबिलिटी नहीं होगी आपकी। तो यहां पे बी से दोबारा आपका बाइसेप्स मसल आ जाएगा, ओ से फिर से आपका ओमोहायोइड मसल आ जाएगा, एल से आपका मसल आ जाएगा लैटिसमस डोर्साई, लैटिसमस डोर्साई मसल आ जाएगा। टी से आपकी तीन मसल आएंगी, पहली दूसरी तीसरी, पहली मसल होगी टेरिस मेजर नाम की मसल, दूसरी मसल होगी टेरिस माइनर नाम की मसल और तीसरी जो मसल होगी वो ट्राइसेप्स नाम की मसल होगी, ट्राइसेप्स नाम की मसल होगी भाई। आई से आपकी जो मसल होती है वो इंफ्रा स्पाइनेटस नाम की मसल होती है, इंफ्रा स्पाइनेटस नाम की मसल। ठीक है, तो ये सारी मसल्स आपकी ओरिजिनेट हो रही है। हाँ, एक चीज और, आप देख रहे हो बाइसेप्स लिखा हुआ है, इसका मतलब दो हेड होते हैं इस मसल के, बाई का मतलब बेटा दो, सेप का मतलब हेड, दो हेड, एक होता है लॉन्ग हेड और दूसरा होता है आपका शॉर्ट हेड, शॉर्ट हेड। उसी प्रकार ट्राइसेप्स मसल के सोचो कितने हेड होंगे, तीन हेड होंगे ना, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको लॉन्ग हेड मिलेगा, इसके अलावा आपको बाकी कोई हेड यहां पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अगली बोन में मिलेगा। तो ये सारे ओरिजिन वाले नाम है, इनको आप लोग लर्न कर लेना। उसके बाद देखो यार, एसआरएल नाम का एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, आपको भी पता है जहां खून यूरिन वगैरह इनका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना, तो वो आपका एसआरएल एक डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है, जिसमें एस से आपका हो जाएगा सेरेटस एंटीरियर नाम का मसल, आर से हो जाएगा रोम्बोइडियस मेजर नाम का मसल, एल से हो जाएगा लैटिसमस डोर्साई नाम का मसल। ठीक है, तीन मसल हो गई और आज हम एसआरएल नाम का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां पे ट्रिप लगाने जा रहे हैं, ट्रिप लगाने जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ हमें काम है वहां पे। ठीक है, तो इसमें टी जो है आपका ये हो जाएगा ट्रेपेजियस नाम का मसल और आर आई हो जाएगा आपका रोम्बोइडियस माइनर नाम का मसल और पी हो जाएगा आपका पेक्टोरेलिस माइनर नाम की मसल।
तो ये वाली मसल्स आपकी इंसर्ट हो रही है या वाली मसल आपकी ओरिजिनेट हो रही है, सिंपल तो है। फिर आप एक बात बताओ, इतने सारे नाम देख करके डर क्यों जाते हो? मैंने सारे नाम सिंपल से ट्रिक में उतार दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उन लोगों से, क्योंकि मैं MBBS फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो आप लोगों के लिए यार तभी अपलोड करूंगा जब मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों को नीड है या यूट्यूब पे नीड है इस तरह की वीडियोज की, तो मैं ऐसी वीडियोस डाल दूंगा। हमारे टाइम पे एक्चुअली में हम लोग यार जब पढ़े थे, मैं 2013 का पास आउट हूँ और 2015 में मेरा PG खत्म हो गया था। दिल्ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ, PG मैंने अपना ऑर्थो के अंदर खत्म करा था। तो उस टाइम पे यार हम लोगों को टीचर्स पढ़ाते थे तो वो ऐसी ट्रिक्स वगैरह से हम लोगों को फर्स्ट ईयर से ही बता दिया था। तो कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स थे जो कि काफी ज्यादा परेशान थे इन्हीं सब चीजों को लेकर के, कि हम लोगों को लर्न नहीं हो पा रही है चीजें और बहुत दिक्कत आ रही है, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज को। बहुत सिंपल सिंपल सा यार, आप लोग करोगे तो हो जाएगा।